हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं कार गुरुजी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, जनवरी 2024 के सेल्स फिगर सभी कार ब्रांड्स ने रिवील कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस कार ब्रांड ने कितनी गाड़ियां बेची हैं हमारे भारत में। एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 14th पोजीशन पर है जीप, जिसने कुल 396 यूनिट्स बेची हैं जनवरी 2024 में पूरे भारत में। एंड जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि एक यूनिट का मतलब एक कार होता है। सो दैट मींस जीप ने जनवरी 2024 में 396 गाड़ियां बेची हैं हमारे भारत में, जो कि 42% कम है अगर हम जनवरी 2023 से कंपेयर करें तो। इसके बाद 13th पोजीशन पर आई है सिट्रोएन, जिसने 650 यूनिट्स बेची हैं जनवरी 2024 में हमारे भारत में। इस कंपनी का भी सेल्स फिगर 19% कम है अगर हम जनवरी 2023 से कंपेयर करें तो। आगे बढ़ें तो 12th पोजीशन पर है स्कोडा, जिसने 2377 यूनिट्स बेची हैं जनवरी 2024 में पूरे भारत में। इस कंपनी की सेल्स 37% कम हुई है अगर हम जनवरी 2023 से कंपेयर करें तो। इसके बाद 11th पोजीशन पर है निसान, जिसने 2863 यूनिट्स बेची हैं जनवरी 2024 में पूरे भारत में। इस कंपनी का सेल्स 2% ज़्यादा हुआ है जनवरी 2023 की तुलना में। और अब बात करें टॉप 10 कार ब्रांड्स के बारे में, तो 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन, जिसने 3267 यूनिट्स बेची हैं जनवरी 2024 में हमारे भारत में। इस कंपनी का सेल्स 12% ज़्यादा हुआ है अगर हम जनवरी 2023 से कंपेयर करें तो। इसके बाद 9th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस, जिसकी 3825 यूनिट्स बिकी हैं जनवरी 2024 में पूरे भारत में, जो कि 7% कम है अगर हम जनवरी 2023 से कंपेयर करें तो। नंबर 8th पोजीशन की बात करें तो वो है रेनो, जिसने 3826 यूनिट्स बेची हैं जनवरी 2024 में पूरे भारत में, जो कि 27% ज़्यादा है जनवरी 2023 की तुलना में। इसके बाद नंबर 7th पोजीशन पर है होंडा, जिसने 8681 यूनिट्स बेची हैं पूरे भारत में जनवरी 2024 में, जो कि 11% ज़्यादा है अगर हम जनवरी 2023 से कंपेयर करें तो। होंडा की सेल्स को इम्प्रूव करने में एलिवेट का अहम योगदान है, जिसे अभी रिसेंटली सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, आगे बढ़ें तो 6th पोजीशन पर है टोयोटा, जिसने 23197 यूनिट्स बेची हैं जनवरी 2024 में पूरे भारत में, जो कि 92% ज़्यादा है जनवरी 2023 की तुलना में। इस कंपनी की सेल्स में काफ़ी तगड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये आप लोग हमें कमेंट्स में बताना। इसके बाद नंबर 5th पोजीशन पर है किया, जिसने 23769 यूनिट्स बेची हैं जनवरी 2024 में पूरे भारत में, जो कि 17% कम है अगर हम जनवरी 2023 से कंपेयर करें तो। नंबर 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा, जिसने 43068 गाड़ियां बेची हैं जनवरी 2024 में पूरे भारत में। इस कंपनी का सेल्स 30% ज़्यादा हुआ है जनवरी 2023 के मुकाबले। एंड अभी रिसेंटली महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन ने 1 लाख यूनिट्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और अब टॉप 3 कार ब्रांड्स के बारे में बात करें तो 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, जिसने 53633 गाड़ियां बेची हैं जनवरी 2024 में पूरे भारत में, जो कि 12% ज़्यादा है जनवरी 2023 के मुकाबले। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है ह्युंडई, जिसने 57115 यूनिट्स बेची हैं जनवरी 2024 में हमारे भारत में, जो कि 14% ज़्यादा है अगर हम जनवरी 2023 से कंपेयर करें तो। ये ब्रांड पिछली बार यानी दिसंबर 2023 की सेल्स में टाटा से पीछे रह गया था, लेकिन इस बार ये वापस अपनी पोजीशन पर आ गया है। और अब टॉप सेलिंग कार ब्रांड के बारे में बात करें तो हर महीने की तरह इस बार भी मारुति सुजुकी, जिसने 166802 गाड़ियां बेची हैं जनवरी 2024 में पूरे भारत में, जो कि 13% ज़्यादा है अगर हम जनवरी 2023 से कंपेयर करें तो। तो दोस्तों, ये थे टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स जनवरी 2024 में हमारे भारत में। एंड अगर आप जनवरी 2024 की मोस्ट सेलिंग कार्स, SUVs, हैचबैक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो वीडियो भी हम आपके लिए जल्दी लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।